निरसा में प्रधानमंत्री के आह्वान पर कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जनता कर्फ्यू का खासा असर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला। सड़कें सुनसान थी, लोगों ने खासकर लंबी दूरी की जो गाड़ियां उसके परिचालन भी नहीं के बराबर देखने को मिली। निरसा से गुजरने वाली कोलकाता दिल्ली हाईवे पर, और दिल्ली कोलकाता हाईवे पर स्थित है बेलियात टोल प्लाजा, जहां पर से अमूमन एक घंटे की अगर बात करें तो 500 से 600 गाड़ियां गुजरती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 500 से 600 गाड़ियां एक घंटे के दरमियान गुजरती है। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने जो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है, उसका असर जो है वो साफ देखा जा रहा है। लोग अपने आप में एहतियात बरत करके और सड़कों पर नहीं निकले हैं, जो गाड़ियां जहां है वहीं खड़ी है, और इसका ही नतीजा है कि आज एक घंटे में मात्र ये 100 गाड़ियां ही सिर्फ यहां से गुजरी है। 100 के आसपास ही गाड़ियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहां से गुजरी है। सड़क है, नेशनल हाईवे है, ये किस तरह से सुनसान पड़ा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको वो तस्वीरें दिखाएं कि जो केबिन है इस बिलियाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पे, वो किस तरह से सुनसान पड़ा है। हालांकि यहाँ पे कर्मी मौजूद हैं और जो जितने भी बूथ यहाँ बनाए गए हैं उसमें सारे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो टोल काटते हैं, टोल वसूलते हैं, वो कर्मचारी मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है, जो गाड़ियां जहां है वहीं की वहीं खड़ी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि कैमरा पैन करे और दिखाए इस तरफ कि जो गाड़ियां है जहां से आई है खड़ी है, सड़कें किस तरह से सुनसान है। इक्की दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पे चल रही है, जो जिनको जरूरी काम होगा वही सड़कों पे दिख रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है कि अपने आप को एहतियात बरते, अपने आप को संयमित रखें, घर में रखें और जो जहां है वहीं रुक जाए, ये जो कर्फ्यू लगाया गया है ये जनता के लिए है और जनता द्वारा ही लगाया जाए, तो ये जो प्रधानमंत्री का आह्वान था वो बिल्कुल साफ तौर पे लोगों ने उस अपील को अपना